Hello, my dear friends. This is Kumar Digvijay. So here I am coming with some exclusive topics from this, particularly for this week. You can say from 20th to 25th July. Bhitare jodi ame dekhiba, I choose some 1 to 2 topics. But before that, I want to give you some important information that this your coming Saturday and Sunday, I am coming with exclusive some 60 to 70 number of questions. तुमको जहाँ भी तुम लिंक दरकार से मोर फेसबुक पेज रे भी शेयर करदेवि मत जन दी जन कही बट मुझ अबिका तार लिंक क्रिएट है मुझी संडे सटरडे संडे दिन 12 2टा तुम 2 आवर्स गोटे मुझे डिस्कसन करी लाइव डिस्कसन हम सटरडे दिन तुम जून रे दिन तुम जुलाई करेन्ट अफेयर्स पूरा डिटेली मुझे डिस्कस करी क्वेश्चन सहित मुझे आसवि अराउंड 60 to 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन आर देयर अकॉर्डिंग टू द टाइम तो तुमको मोर रिक्वेस्ट रहा है तुमने एंटायर जून रहा जहाँ करेन्ट अफेयर सब बाणी कायस यूट्यूब चैनल तुम्हें मोर फेसबुक पेज भी जब देखो से मैंने सेयार कर जुलाई करेन्ट अफेयर स्टार्टेड फ्रम 1st to 25th जुलाई जहाँ जहाँ रहा कारण कमिंग विक आम स्टार्ट एस्टरडे सोमवार टू आम तो पढ़ने तो सटरडे दिन पूरा जून रूरा मंथ संडे दिन जुलाई रु नहीं कि 25 तारीख जाए जहाँ जहाँ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स अच्छी तार मुझे गोटे क्वेश्चन डिस्कसन करी लाइव सेसन रो तो ये मोर रिक्वेस्ट काइंडली शेयर करेंगे सब्सक्राइब करूँ जिते अधिक रु अधिक पिलांकर पार्टिसिपेशन हम इट विल बी आक्ट लाइक ए कैटलिस्ट फॉर अस तो पिलांकर पार्टिसिपेशन हिसाब से आमको भी बुस्टअप होबु आम मैंने तो से इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू पार्टिसिपेट आज मच आज पॉसिबल ओके तो आज जो इम्पोर्टेंट चैप्टर मुझे डिस्कस करा है गोटे मुझे प्लीयर बार्गेनिंग तो बार्गेनिंग वार्ड रु तुम बुझीप इट इज ए मानने लाइक कौन गोटे आडजस्टमेंट बार्गेनिंग मानने मापतुल तुम कहीपर हिंदी में जोटा को आम कहू मांडाउली देखीद जो फिल्म अग्निपथ से बहुत थर ए वार्ड रूज होती कांचार से जो फिल्म तुम रही संजय दत्त सारंकर तो देखिपड़ब ये कंटेक्स्ट कौन अच्छी तो कंटेक्स्ट है आमर जो ताब्लिकी जमात रे जो मैंने सब इस्लाम धर्म लोक मूँ सब आरेस्ट कराइला से 5000 टंकार फाइन पकई छाड़ी दि जाए प्लीयर बार्गेनिंग मध्यम प्लीयर बार्गेनिंग माने एक्जाक्टली कौन तो जदि आम देखा तो देख दिल्ली हाइकोर्ट वेडनेसडे दिन आलाउ कर बड़ कर दिए जोटा कि तुमको इजी हम जिन देखा हाँ तो देख दिल्ली हाइकोर्ट वेडनेसडे दिन प्रीवियस वेडनेसडे रे अलाउ करदेला जो 98 जन जो ताब्लिक मुसलमान थे श्रीलंकार किसी मुसलमान थे 5000 टाँग फाइन पकई से रिलीज कर दि जाए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सैमा चमिल अलाउ डेट द इंडोनेशियन वर्क फ्री ऑन पेमेंट ऑफ मुझे कहली 5000 है तो अबिका आम जा एक्जाक्टली प्लीयर बार्गेनिंग माने कौन तो तभी तुम ये देख इट रिफर्स टू ए पर्सन मानने बार्गेनिंग क्या भितर हुए दिजन भितर एटि भी बार्गेनिंग होने कौन सिंपल भाषा कह गली आक्यूज्ड क्राइम करी आउ जने हला प्रोसिक्यूटर हला दी जन का भीतर बार्गेनिंग माने प्री ट्रायल देख आम देश में नॉर्मली लॉट्स ऑफ केसेस आर पेंडिंग लैक्स ऑफ केसेस आर पेंडिंग जुडिशियरी डज नॉट हैव दैट मच टाइम टू इन्वेस्टिगेट इन एवरी मैटर से प्ली बार्गेनिंग इज ए तुम्हें कहींपर इट इज ए प्री ट्रायल माने कौन ट्रायल को जीवा पूर्वर इट इज ए मांडाउली बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज्ड पर्सन किंतु एथेरे अक्यूज्ड पर्सन को मानिया को पड़ो जे हाँ मु भूल करी विदाउट जदि से आग्री करूनी ताहले प्ली बार्गेनिंग कनसेप्ट आसीपर ना तुम्हें देखिपड़ब इट रिफर्स टू ए पर्सन चार्ज विथ ए क्रिमिनाल अफेन्स नेगोसीएटिंग विथ ए कौन प्रोसिक्यूशन मुझे कहली फर ए लेजर पनीशमेंट दैन ह्वाट इज प्रोवाइडेड इन ए ल प्ली बार्गेनिंग रे कौन हुए जी पनीशमेंट मिलवा कथा ताकू टे कम मिले एमती नुहे पूरा रिलीज कर दिया जाव धर 7 वर्ष पनीशमेंट मिली इट विल बी रिड्यूस टू 3-7 इयर्स जगार तो कैसे मिल 3 इयर्स कि कौन सी प्रकार मॉनेटरी कंपेनसेशन मिल पाए है तो यह रहा इट इज ए इट इज कॉमन इन यूएसए एंड तुम देखिपार्थ हाज बीन ए सक्सेसफुल मेथड ऑफ अवॉइडिंग प्रोट्राक्टेड एंड कॉम्प्लिकेटेड ट्रायल्स ट्रायल्स को गला मैंने कोर्ट को गला मैंने जिनस नॉर्मली कौन हुए बहुत लंबा ताको टाणी को पड़े तो इट इज बेटर टू गो फॉर ए ट्रायल वी शुड नेगोशिएट बिफोर कौन ट्रायल सो इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्री ट्रायल ता माने नो जे तमे कहबो के धरे ना मर्डर कर दबो हे परिबनी डेथ सेंटेंस रे प्ली बार्गेनिंग रो कांसेप्ट को यूज करा जाई परिबनी नहले जो थरे 10 वर्ष रो सश्रम कारादंड थबो सेथरे मध्ये को यूज करी परिबनी इट इज द कांसेप्ट वोंट एप्लीकेबल हियर इवन जदि कोठी वुमेन मान को हरास करा जाई थबो रेप वगैरह केस रे ए सब जिंसा हेई परिबो नाही
बुझीगला। नेक्स्ट तुम मैंने देख व्वेन इट व्वाज इंट्रोड्यूस्ड मन रख इंडिया यहाँ इंट्रोड्यूस्ड होता 2006 देर हाज अलवेज बीन ए प्रोविजन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर एन अक्यूज्ड टू प्लीड गिल्टी इनस्टेड ऑफ क्लेमिंग द राइट टू फुल ट्रायल। प्रथम मु तुमको कहली अक्यूज्ड पर्सन मानव जे येस आई कमिटेड द क्राइम आई कमिटेड द मिस्टेक ओनली आफ्टर दैट द आप्लिकेसन विल बी फाइल। अरे बार्गेनिंग जे धर किणिया को जाउची सीए बार्गेनिंग करिवो ना जे बिकुची सीए बार्गेनिंग करिवो ऑफकोर्स जार किणिबार अछि। तो ये अक्यूज्ड पर्सन जे विक्टिम जे क्राइम करी सीए ही इनिशिएट करिवो प्रोसेस को तापरे जाइकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जे थे सीए जिनस को आगे को क्यारि फरवर्ड करेंगे। देख इट व्वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2006 आज पार्ट ऑफ ए सेट ऑफ कौन अमेंडमेंट्स टू सीआरपीसी हला सीआरपीसी रो 11 ए चैप्टर जदि तुम्हें देखिबो सेथरे एटा को इंट्रोड्यूस करा गला सेक्शन केते रु केते 265 ए रु 265 एल ए बी सी डी ई एफ सेमती एल जाय हला। तो एटा गोटे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ए वीक रो थिला। तो तुम्हें बुझी पारिबो लॉ कमिशन इंडिया रो जो अछि मु तुमको कहितली से माने तांकर 142nd रिपोर्ट रे भी मध्य कहितले कंसेशनल ट्रीटमेंट विषय रे ऑफ दोज हु प्लीड गिल्टी मींस हु एक्सेप्टेड देयर क्राइम ऑन देयर ओन वायोलेशन निजे जोटा करथले बट वाज केयरफुल टू अंडरस्कोर दैट इट कुड नॉट इन्वॉल्व एनी प्ली बार्गेनिंग और हैगलिंग विथ द प्रोसिक्यूशन। बुझीगला। तो इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस एटा को अलाउ करा जीवो को एंड हाउ डज इट वर्क मन रख मु तुमको अबिका कहली डेथ सेंटेंस जोठी तुमर देख ये लिखाई थोड़ा पर्सन टर्म एबव 7 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट ए सब जिनसे यहाँ आप्लिकेबुल नुह मु तुमको अलरेडी कही सारे। नेक्स्ट तुम देख ये तुम नेक्स्ट देख आसव इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस गला अदर कैटेगोरीज ऑफ केसेस दैट कैन नॉट बी डिस्पोज्ड माने को आउ कोठी हे परिवनी जदि तुम्हें सोसाइटी रे कोनोसी प्रकार सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को जदि वायोलेट करथबो कि वुमेन मानक कि चाइल्ड मानक एगेंस्ट जदि किछि जिंस करथबो ए सब स्थान रे तुम प्लिया बार्गेनिंग को इम्प्लीमेंट करा जाई परिवो नाही। ओके तो नेक्स्ट आसवा आम वर्किंग केमती द आप्लिकेंट सुड अप्रोच द कोर्ट जी थब तुम आक्यूज से आप्रोच कर विथ ए पेटिशन आफिडेविट स्टेटिंग दैट इट इज ए वॉल्यूंटरी प्रिफरेंस निजे आक्सेप्ट कर एंड दैट ही वाज अंडरस्टूड द नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ पनिशमेंट से निजे भी जानी थब मुझे भयंकर पनिशमेंट पाइबा को जाऊँच। द कोर्ट वुड देन इश्यू ए नोटिस टू द प्रोसिक्यूटर जी विक्टिम जहाँ सहित दुर्घटना घटी कोर्ट कौन कर गोटे नोटिस इश्यू कर। द वॉल्यूंटरी नेचर ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट बी असेंटेड बाय द जज इन एन इन कैमेरा हियरिंग कैमेरा मध्यम सब जिनस को रेकर्ड मध्यरे करा जिवो। तो एटा ही तुम वर्किंग रहा द अक्यूज्ड मे बी सेंटेंस टू ए प्रिजन टर्म दैट इज हाफ द मिनिमम पीरियड मान धर दस वर्ष तो नुह सात वर्ष होनि वर्ष हे कि 4 वर्ष हे मुझे तुमको कहली वान्स म्यूचुआल सैटिस्फेक्शन इज रिच्ड दिजन भितर बार्गेनिंग होगा द कोर्ट शाल फर्मालाइज द अरेंजमेंट बाय वे ऑफ रिपोर्ट साइन बाय ऑल पार्टीज उभयों तरफ साइन नि अरे भाई ऑफिशियल काम तो हम ना रहा। तो व्हाट इज द रैशनल फॉर द स्कीम लाभ कौन भाई प्रैक्टिकल जिनस तुम्हें जानी थो 2003 मालिमत कमिटी मन रखी था 20 पॉइंट खंडे से देते 20 पॉइंट्स वाज गिवेन बाय मालिमत कमिटी इन 2003 हला मुझे जब हम गोटे सेपरेट भिड नहीं आसमी मन रखी था मालिमत कमिटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंडोर्स द वेरियस रिकमेंडेशन ऑन द लॉ कमिशन विथ रिगार्ड टू प्लेयर बार्गेनिंग आ मु तुमको कहली सम ऑफ द एडवांटेज इज टू कॉल्ड अप फ्रॉम अर्लियर रिपोर्ट सार द प्रैक्टिस शुड इंश्योर ए स्पीडी ट्रायल अति कोर्ट उपर बेस बर्डन एसब जिनस ना। तो यही जिनस एथे सब रहा। तो व्हाट इज प्लेयर बार्गेनिंग देख से ही जिनस एगेन्स्ट ये लिखाई तुम पिक्चर मध्यम तुमको बुझेदेली अबिका से ही जिनस लिखाला प्लेयर बार्गेनिंग माने कौन इट रिफर्स टू ए पर्सन चार्ज विथ ए क्रिमिनल ऑफेंस नेगोसिएटिंग विथ द कौन प्रोसिक्यूशन। ओके तो अमेंडमेंट जहाँ जहाँ मुझे कहली देख से ही जिनस लिखाई 265 ए रु 265 एल है अमेंडमेंट टू द सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 11 ए सेम थिंग वाज रिटेन हियर। सो यहाँ गोटे मुझ बड़ा सुंदर टॉपिकटे तुम चूज करी ए विक्र करेंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट थी बाकी मुझे एगेन तुमको आउ थे ये इनफर्म करुच्ची कि एगेन एंड एगेन सटरडे आउ संडे मोबाइल दे दि डेट सेट कर दि सटरडे एवं संडे 1 आउ 2 अगस्त दिन
बारटारु दीटा तुमकें मुझे ब्यूटीफुल 70-70 तुम्हें कहींपर 140-150 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई करंट अफेयर्स जुलाई ए वन टू रुमर 25th जाए। आई होप दैट यू गाइस आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस लाइव सेशन। इट विल बिकम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इफेक्टिव ओनली इफ यू गाइस आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। ओके।